जनपद प्रतापगढ़ ब्लॉक पट्टी ग्राम पंचायत सलाहपुर में, जहाँ की आबादी 1000 है, वहाँ पर एक आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन हो रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जाति हैं, जैसे दलित, वर्मा, विश्वकर्मा, गौड़, गुप्ता आदि जाति के लोग रहते हैं। मेरी भी बच्ची उसमें पढ़ने जाती है। मैं चंदा भारती और ये मेरा दलित समुदाय। 2009 में यहाँ आए हैं गांव में, राम कुमार या हरजन के घर में काम करना शुरू किए हैं, तो वहाँ जगह कम होने के कारण हम पेड़ के नीचे बैठते हैं। यहाँ हमारे बच्चे आते हैं, यहीं हम बैठ जाते हैं, यहीं हमारे घर। कितने बच्चे हैं आपके सेंटर पर? हमारे सेंटर पर कुल 60 बच्चे की उपस्थिति। कितनी आबादी है यहाँ की? यहाँ की आबादी 1000 की आबादी में हम। हमने कई बार इस पर प्रस्ताव, एक पुराने प्रधान थे वो लिख के दिए थे, हम उस पर प्रस्ताव ले गए, ऑफिस में जमा भी किए, लेकिन वो हो नहीं पाया। प्रधान भी इस पर हट गए, ग्राम पंचायत से दूसरा प्रधान आया, और दूसरे प्रधान आए तब भी हम लोग कहने लगे कि भाई आप हमारे केंद्र बनवा दीजिए, हमको बहुत दिक्कत हो रही बच्चों को लेकर, हम कहाँ जाएं बरसात के सीज़न में, ठंडी के सीज़न में हमको बहुत दिक्कत होती है, लेकिन प्रधान कुछ सुन ही नहीं रहा। क्या केंद्र यहाँ बनने से यहाँ बच्चों को लाभ होगा? लाभ होगा, क्योंकि अगर कहीं दूर बनेगा, जमीन भी नहीं है, तो वहाँ बच्चों को 1.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। आंगनबाड़ी नज़दीक होना चाहिए, बस्ती नज़दीक, दलित बस्ती नज़दीक होना चाहिए। तो अगर इस सेंटर, अगर भवन बन जाए तो अच्छा रहे, एक कमरा बन जाए बड़ा अच्छी है, पानी पुनी हर एक चीज और अच्छी है। बाग में तू बगाबू पानी पुनी कहाँ भाग के दे। मैं चाहती हूँ कि तत्काल CDPO द्वारा कमरे की व्यवस्था करा करके आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जाए, ताकि बच्चों के पठन पाठन व बैठने उठने में दिक्कत का सामना न करना पड़े। मैं अपील करती हूँ कि CDPO श्रीमती चंद्रा सिंह के मोबाइल नंबर 94-53-17-16-03 पर फ़ोन कर दबाव बनाएं और मेरी मदद करें। मैं चंदा भारती, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, इंडिया, अनहर्ड के लिए।